ये कहानी है प्यार की, ये कहानी है धोखे की, और ये कहानी है एक कुत्ते की। रॉटविलर नस्ल का एक कुत्ता भारत की राजनीति में उसने भूचाल ला दिया है। एक सांसद माफी मांग रही है, सुप्रीम कोर्ट का एक वकील धमकी का आरोप लगा रहा है, और एक कुत्ता हंस रहा है। आज का हीरो तो एक कुत्ता ही है। आखिर लव कुत्ता और धोखे की ये कहानी है क्या, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय राजनीति के हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी की हीरोइन है बंगाल की कृष्णा नगर से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा। इस कहानी के खलनायक हैं भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे, और कहानी का हीरो है हेनरी। हेनरी एक कुत्ते का नाम है। कहानी फ्लैशबैक से शुरू होती है। आज से 3 साल पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा किसी के प्यार में गिरफ्तार है। प्यार टूटा, महुआ मोइत्रा और उनके कथित प्रेमी ने अलग अलग रहने का फैसला किया। महुआ को प्रेमी की जुदाई तो बर्दाश्त थी, लेकिन अपने पप्पी हेनरी को वो कैसे छोड़ सकती थी। हेनरी उनके जिगर का टुकड़ा। महुआ के एक्स जय अनंत देहद्रोई ने थाने में तहरीर दी। उनका आरोप था कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उनका दिल चुराया तो चुराया, पर उनके हेनरी को भी चुरा लिया। जय अनंत देहद्रोई की गुहार थी कि मुझे मेरा हेनरी वापस कर दो। इस बीच हेनरी भाई साहब महुआ के आगोश में आराम फरमा रहे हैं, किसी राजा की तरह राजशाही जिंदगी जी रहे हैं, और बचपन का प्यार जय अनंत को भुला चुके हैं। इधर हेनरी के प्यार में जय अनंत भी तड़प रहे हैं, सही मौके का इंतजार कर रहे थे। वो मौका मिला आज से ठीक 3-4 दिन पहले। प्यार और चोरी की इस कहानी में एंट्री होती है झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा तो पैसे लेकर संसद में सवाल करती है। हालांकि ये मूल आरोप महुआ के एक्स जय अनंत देहद्राई का ही था, उन्होंने ही सीबीआई में इसकी शिकायत की थी। लेकिन निशिकांत दुबे ने जांच की मांग को लेकर लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी। निशिकांत दुबे ने यह भी लिखा कि महुआ मोइत्रा ने अपने लोकसभा लॉगिन और पासवर्ड भी बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को दे रखा है। निशिकांत दुबे के चिट्ठी लिखते ही हंगामा खड़ा हो गया। दर्शन हीरानंदानी ने भी एफिडेविट देकर कहा कि महुआ से मेरा रिश्ता था, इतना गहरा रिश्ता कि जो मेरा था वो उसका था, और जो उसका था वो मेरा था। लिहाजा हीरानंदानी ने कहा कि महुआ का लोकसभा लॉगिन क्रेडेंशियल भी मेरे ही पास था। दर्शन और महुआ के रिश्तों की गहराई का लोग पता लगा ही रहे थे कि जय अनंत पूछ बैठे, मेरे कुत्ते का क्या हुआ? महुआ बताए कि वो मेरे हेनरी को कब वापस कर रही है। अब 3-3 मर्दों का आरोप झेल रही महुआ बेचारी करती भी तो क्या करती। उन्होंने अपने एक्स जय अनंत से कहा कि जय, मैं दिल पर पत्थर रखकर हेनरी को तुम्हें वापस कर दूंगी, पर प्लीज सीबीआई से जो मेरी शिकायत की है उसे वापस ले लो ना। निशिकांत दुबे ने कहा कि कुत्ता वापस लौटाने के एवज में इतनी बड़ी कुर्बानी, ये इतिहास में न हुआ है न होगा। एक कुत्ते के बदले में विलेन हीरोइन को नहीं छोड़ सकता। ई चौलबे नाए, कुत्ता बेचारा हैरान परेशान है, सारे डायलॉग्स तो दूसरे ही बोले जा रहे हैं। किसी ने मेरे दिल से तो पूछा ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूं। जज साहब, माना कि कुत्ते के सामने कोई नहीं नाच सकता, पर कुत्ते की बात तो कोई सुन ही सकता है। महुआ ने जय का दिल चुराया तो चुराया, पर उसे उसके कुत्ते को नहीं चुराना चाहिए था। कहां मैं आईने के सामने डॉगी ग्रूमिंग का मजा ले रहा था, और कहां इस सब ने मुझे भी कोर्ट कचहरी के केस में फंसा दिया। घोर असहिष्णुता है, मोदी जी इस्तीफा दो। भों भों।